मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएससी भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनसे साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए। हर प्रोजेक्ट की वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में समीक्षा करें, साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए। हर परियोजना की एक समय सीमा तय की जाए और उसी अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, GDA, GIDA समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां जमीन की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए और मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का समय निकट है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात के दौरान कहीं भी जलभराव न हो। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा काम हुआ है, इसे लगातार उत्कृष्टता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। समय रहते सभी नालों की सफाई का काम पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए गुड़धुइया नाला परियोजना पर सतत ध्यान दिया जाए। इस समीक्षा बैठक में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, शरवर निषाद समेत प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM GIDA गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM GIDA गोरखपुर